हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को बताएंगे ये जो मेंडल का टेक्निक क्या था और वो किस तरह से अपना हाइब्रिडाइजेशन इट मींस क्रॉसिंग किया करता था। ये आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंडल के हम दो क्रॉस पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ख़त्म कर लें और उससे रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम भी करें जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएँ, कुछ ट्रिक्स भी होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडल की बात करें, मेंडल जो अपना क्रॉस करता था उस क्रॉस के लिए मेंडल मेनली दो टेक्निक यूज़ करता था। एक होता था इमेस्कुलेशन, दूसरा होता था बैगिंग। तो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में आपको हम बताए थे जो किस तरह से इमेस्कुलेशन का कंसेप्ट आया था और साथ ही साथ बैगिंग, ये दोनों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे टर्म एक बार और आया है, ज़रा देखिए हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हम बात करें इमेस्कुलेशन, तो इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ द एंथर, कटिंग ऑफ द एंथर फ्रॉम या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट, कटिंग ऑफ द एंथर है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। जैसे आप सिंपली समझें, हम बात करते हैं आपके पास ये मान लीजिए मटर का फ्लावर बना रहे हैं, जिसमें देखिए यहां पर इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस तरह से, यानी हम बात करें ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके बाद यहाँ पे सेपल पेटल सब कुछ लगा हुआ। तो अब सोचिए इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा जो हम कहेंगे 99% चांस रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन का, यानी हम देखें तो इसमें 99% चांस होगा सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि इसका पॉलन ग्रेन इजिली यहां पर आ जाएगा। तो अब सोचिए आपको पिछले क्लास में बताया गया भी था कि जो ये पी प्लांट होते हैं उसमें नेचुरली जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन ये जो मेंडल थे ये क्रॉस करवाना चाह रहे थे, और जब ये क्रॉस करवाना चाह रहे थे इसका मतलब ये हुआ जब भी वो क्रॉस करेंगे तो क्रॉस के लिए इसका पॉलन ग्रेन इसमें नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन आना चाहिए। इसीलिए वो करते क्या थे, तो यहाँ से कट कर देते थे एंथर को, यानी यहाँ से एंथर को कट कर दिए। तो हम बात करेंगे यहाँ से एंथर को हटा दिए, जब ये यहाँ से एंथर को हटा दिए तो ये क्या कर दिए, इमेस्कुलेशन, ये इमेस्कुलेशन कर दिए, इसका मतलब एंथर को ये हटा दिए। जब ये एंथर को हटा दिए तो अब देखिए क्या करेंगे, जो डिजायरेबल डिजायरेबल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा उसको ला करके और यहाँ छिड़क देंगे, तो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ ना आ गया। अब देखिए कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आया है, अब ये दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे जो प्रोसेस होगा करना वो पॉलिनेशन करवा लेगा। अब सोचिए कोई अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन ना आ जाए, इसके लिए एक टिश्यू पेपर से इस तरह से पत्ते पन्नी के लेयर से इसको ऐसे करके कवर कर देते थे ताकि अनवांटेज पॉलन ग्रेन इसके अंदर ना आए, इसी का नाम देते थे बैगिंग। यानी हम देखें जो मेंडल जो इस अपने हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक में दो टेक्निक यूज़ किए थे, एक इमेस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। तो हम बात करें बैगिंग क्या होता है, कवरिंग ऑफ द फ्लावर फॉर प्रिवेंट द अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स, यानी हम बात करेंगे किसी लेयर से फ्लावर को कवर करना ताकि अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन ना आ जाए, इसी का नाम क्या देते थे, यहाँ से बैगिंग। तो आपको बैगिंग और इमेस्कुलेशन पहले भी बता चुके हैं, तो जरा देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मेंडल का दो टेक्निक था, एक इमेस्कुलेशन और बैगिंग। तो इसका सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी हम देखें तो इमेस्कुलेशन इसलिए करते थे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और बैगिंग इसलिए करते थे ताकि अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन यहाँ पे ना आए, यानी दो प्रोसेस यहाँ से इमेस्कुलेशन और बैगिंग का आपको बताए। अब चलिए आपको लिए चलते हैं हम यहां से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आप लोग साथ साथ हेडिंग डालेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
देखिए यहाँ से नाम हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनो का मतलब होगा वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यहां पे होंगे, और हाइब्रिड का मतलब समझते ही हैं आप, क्रॉसिंग है ना। यानी हम बात करेंगे एक कैरेक्टर को लेकर के, जब मेंडल अपना क्रॉस किया था तो उसी का नाम क्या देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जरा देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखें, यहां से पी प्लांट जो था, यानी हम बात करें पी प्लांट जिसका नाम गार्डन पी दिए थे, ये पी प्लांट की बात करें, ये लिया लेंथ की बात करें, या फिर इसी को कहते हैं हाइट। अब देखिए प्लांट के हाइट पर ये एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट के हाइट। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट का हाइट तो एक कैरेक्टर हुआ, कितने कैरेक्टर हैं ये, वन कैरेक्टर। और इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, ये ट्रेट दो थे, एक क्या था भाई, एक था डोमिनेंट, डोमिनेंट था, और दूसरा था रेसेसिव। एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव था। जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था अपना टॉल, और ये जो था ये था अपना ड्वार्फ। क्लियर है क्या। अब देखें जो टॉल था, अब देखें यहां से टॉल की बात करें, टॉल के लिए यहां पर हम कैपिटल टी का यूज करते थे, और टॉल के लिए कैपिटल टी यूज करते थे, तो इसके लिए दो कंसेप्ट आया, या तो होमोजाइगस टॉल होगा, आपको बताए थे होमोजाइगस क्या होता है, व्हेन द बोथ ट्रेट आर सिमिलर दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो एक होगा अपना होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल होगा जिसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी, और एक होगा अपना हेटरोजाइगस टॉल, इसके लिए यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको हम बताए थे ये जो टॉल कैरेक्टर था ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट इसका मतलब ये हुआ एक भी कैपिटल टी जहां आ जाएगा वो शो करेगा लंबे प्लांट को, यानी टॉल प्लांट को सॉल्व मतलब इंडिकेट करेगा। तो देखिए यहां भी कैपिटल टी है और स्मॉल टी भी है, तो यहाँ स्मॉल टी की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, यानी इस स्मॉल टी के आने के कारण भी ये प्लांट का कोई फिनोटाइप नहीं बदल रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, हाइट नहीं बदल रहा है, क्योंकि स्टॉल के यानी कैपिटल टी के आने के कारण ये जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर था वो सप्रेस हो गया, रुक गया, एक्सप्लोर नहीं कर पाया, यही अपना कैरेक्टर दिखा पाया। तो ये हो गया होमोजाइगोस्टॉल और ये हो गया हेटरोजाइगोस्टॉल, और रिसेसिव ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे। तो जरा देखिए हम बात करें, जहां पे भी ड्वार्फ आएगा वो केवल ड्वार्फ होगा, तो स्मॉल टी होगा, यानी हम बात करें ये हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस, यानी हम देखें होमोजाइगस ऑलवेज। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है, आप ये बताइए प्लांट का जो लेंथ था, हाइट वाला कैरेक्टर था, क्या वो कभी भी हेटरोजाइगस ड्वार्फ हो सकता है क्या। नहीं, एक चीज समझिए, हेटरोजाइगस का मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी हम बात करें ये ड्वार्फ होगा क्या, अरे भाई ड्वार्फ होगा नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी तो हेटरोजाइगस हो गया, और ये हेटरोजाइगस कैरेक्टर में ये प्लांट टॉल होते हैं। क्लियर है क्या। यानी हम यहां से देख लिए ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहां से हम आगे यहां तक आप लिखते चलिए साथ साथ। अब जरा देखिए यहां से हम आपको क्या बताएं, इसको लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब जरा देखिए आप एक चीज यहां से समझे, हम बात करें एक टॉल प्लांट को दिखाने के लिए मेंडल यूज किए एक कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए ये यूज किए स्मॉल टी, ये आपको हम बता दिए थे कल के क्लास में, क्योंकि हम बताए थे पहला वीडियो लेक्चर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको दिखाने के लिए
कैपिटल टी का यूज करते हैं और जो रेसेसिव होता है उसको दिखाने के लिए स्मॉल टी। अब आपके मन में समझ थोड़ा ये आएगा, सर टॉल को कैपिटल टी से दिखाए तो ड्वार्फ को डी से दिखाते, तो देखिए कई सारे अल्फाबेट्स आ जाते जो कि कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए मेंडल जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के टर्म में इसको यूज किए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे आप सिंपली समझें यहाँ पर क्या किया गया, जैसे दो क्यारियां बनाई गई, दो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए खेत में, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें वो कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट को इधर ग्रो करवाए और इधर ग्रो करवाए ड्वार्फ वाले प्लांट को, यानी एक तरफ टॉल लिए और दूसरी तरफ ड्वार्फ लिए। अब देखिए इधर टॉल प्लांट को ले रहे हैं और इधर ड्वार्फ को ले रहे हैं। अब देखिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग हम बात करेंगे, यहाँ से क्रॉसिंग किए, और क्रॉसिंग करने के लिए दो टेक्निक आपको बताया अभी तुरंत, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग करके ये क्रॉस कर दिए। पहले होगा क्या, जरा देखिए ये जो टॉल प्लांट होंगे ये अब होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी यहां से होगा गैमेटोजेनेसिस। जरा देखिए आपको बता चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तीनों में गैमेटोजेनेसिस आया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है जो कोई भी पेरेंटल बॉडी वो गैमिट्स बनाते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाला एक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इसमें 2n है तो यहाँ पर जो गैमिट बनेंगे केवल वन टाइप का कैपिटल टी, और यहाँ से जो गैमिट बनेंगे वो स्मॉल टी बन गए। अब सोचिए इस दोनों को हम क्रॉस करवा दिए, क्या करा दिए, क्रॉसिंग। यहाँ से हम देखें, यहाँ से जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो आने वाला जो प्लांट होगा उसमें जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी ये आया। अब जरा देखिए ये फर्स्ट जनरेशन मिला हमको, और ये फर्स्ट जनरेशन को F1 से दिखाते हैं, यानी हम बात करें F1 फर्स्ट जनरेशन, यानी यहां से F का मतलब फिलियल होता है, वो ग्रीक टर्म है जिसका इंग्लिश नाम होता है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन F1। अब जरा देखिए आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, अब जरा देखिए आपसे पूछेगा मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो F1 जनरेशन था वो 100% प्लांट टॉल थे, हाँ भाई टॉल है, लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल या होमोजाइगस टॉल फंसा सकता है, तो आपको जीनोटाइप ध्यान रखना होगा। ये कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 100% प्लांट आर हेट्रोजाइगस टॉल इन F1 जनरेशन फॉर ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल। चलिए यहां से देखते हैं, हम इसके लिए लिखे 100% हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, यानी हम देखें इसके लिए आपको बताया F1 जनरेशन के लिए जो प्लांट मिले वो 100% हेट्रोजाइगस टॉल मिले। अब जरा देखिए, अब ये क्यारी की कहानी खत्म हो गई, अब जरा देखिए अब इसको ये क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, अगली बार इसी को ये रोपेंगे यहां से। अब देखिए फिर ये क्या किए, अब दो क्यारी नहीं लिए, एक ही क्यारी लिए, इसमें हेट ये सीड डाल दिए, इस कैरेक्टर वाले सीड को डाल दिए, यानी हम बोलेंगे अब ले लिए ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, यानी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट लिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लिया, सारे को यहां पे ग्रो करवा दिया और नेचुरली छोड़ दिया। जरा देखिए यहां पर नेचुरली जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी इसको नेचुरली छोड़ दिया, नेचुरली छोड़ दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब जरा देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होने से पहले जब प्लांट ग्रो होगा तो वो गैमिट बनाएंगे, अब ये क्या करेगा भाई, अब ये फिर गैमिट बनाएंगे। जरा देखिए ये गैमिट क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा देखिए ये फिर गैमिट बनाएंगे, गैमिट कैसे बनाएगा, जरा देखिए गैमिट का फॉर्मूला होता है 2^n, इसको बताने के बाद आपको बताएंगे। जरा देखिए यहाँ से गैमिट बनाएगा, और गैमिट कितने तरह का बनेगा, जैसे आपको पता होगा, देखिए जैसे आपको हम बताए थे, जैसे मेल की बात करें, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, तो यहाँ से दो तरह के गैमिट बनते हैं, 22+X एंड 22+Y, याद कीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम चैप्टर नंबर 3 में बताए थे। तो यहाँ दो तरह के गैमिट बने, क्यों बने, क्योंकि यहाँ ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन हम बात करें ये जब फीमेल होती थी तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम होता था XX, और जब XX होता था तो यहाँ पे एक ही टाइप का गैमिट बनता था, 22+X एंड 22+X, दोनों तो एक ही तरह का गैमिट हुआ। यानी हम देखें जब ये होमोजाइगस कंडीशन में था
तो एक ही तरह का गैमिट बना था जब होमोजाइगस कंडीशन में था, तो चाहे 1 लाख बन जाए लेकिन एक ही तरह का ना बनेगा। लेकिन यहां पर बात करें तो ये दो तरह के बने हैं। कैसे बनेंगे? एक तो बनेगा अपना कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। सेम इधर वाले प्लांट में भी एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी। अब जरा देखिए इस सभी के भी सेल्फिंग होगा, यानी यहां से जब सेल्फिंग कराएंगे तो जरा देखिए ये इसके साथ क्रॉस हो सकता है, क्रॉस कर ले तो ये बना लेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए हो सकता है ये वाला इसके साथ क्रॉस करा ले तो बना लेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है क्या? चला एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जरा देखिए ये क्रॉस तो आप देख लिए, यदि ये इसके साथ क्रॉस करवाया तो बनाया कैपिटल टी कैपिटल टी। हो सकता है ये वाला प्लांट इसके साथ क्रॉस करके ये बना लेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस करके बना लेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस करा लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा देखिए कोई भी किसी के साथ नहीं बचा हुआ है क्रॉस करने से, यानी यहां से जब ये क्रॉस करवाए तो ये जो अपना मिला ये मिला, इसको कहते हैं F2 जेनरेशन। क्या बोलेंगे? F2 जेनरेशन बोलेंगे। और ये जो यहां पे करवाए हैं ये है सेल्फिंग, हम करवाए हैं सभी के बीच। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल F1 जेनरेशन लाने के लिए कौन सा क्रॉस करवाया था, क्रॉसिंग, और F2 जेनरेशन के लिए क्या यूज किया, वो किया यूज सेल्फिंग का। यानी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन F1 के लिए क्रॉस पॉलिनेशन और F2 के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहां से आप कुछ कैलकुलेशन यहां से देख पाएंगे, इसको मिटाते हैं। अब जरा देखिए इसका कैलकुलेशन क्या निकला, जरा ध्यान से देखेंगे। अब जरा देखिए इस प्लांट को आप डिटेक्ट करें तो ये प्लांट कैसे होंगे, होमोजाइगस्टॉल या हेटरोजाइगस्टॉल? तो ये होगा अपना होमोजाइगस, ये होगा होमोजाइगस्टॉल प्लांट, ये और ये क्या होंगे बाबू, ये दोनों होंगे हेटरोजाइगस्टॉल प्लांट, और ये क्या होगा ड्वार्फ, है कि नहीं है? यानी हम बात करें कुल मिलाकर के देखें तो अब ये तो होमोजाइगस हेटरोजाइगस लेवल की बात कर लें, जीन लेवल की, लेकिन फिनोटाइप देखें तो ये तीन प्लांट जो होंगे ये टॉल होगा और ये क्या होगा, एक जो होगा ये ड्वार्फ होगा। जरा देखिए आपको हम बताए थे दूसरे वीडियो लेक्चर में ये जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, यहां से हम बताए थे। अब जरा देखिए अब आपको पूछेगा F1 जेनरेशन तो बता दिए, अब देखते हैं यहां से फॉर F2 जेनरेशन, यानी यहां से देखेंगे F2 जनरेशन के लिए कुछ रिजल्टेंट देख रहे हैं। अब देखिए यहां से F2 जनरेशन के लिए आप जरा सोचें फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप्स। अब जरा देखिए फिनोटाइप्स का मतलब क्या, फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और प्लांट के लेंथ के लिए हाइट के लिए जो फिनोटाइप होता है ये होता है टॉल रेशियो ड्वार्फ। यानी हम देखें या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। अब जरा देखिए क्या फिनोटाइप का मतलब जीन लेवल की बात करेंगे क्या, नहीं, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, इट मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सो द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज टॉल एंड ड्वार्फ, दिस प्रोसेस 1, 2, 3 आर टॉल देन 1 आर ड्वार्फ, सो द रेशियो ऑफ फिनोटाइप फॉर F2 जनरेशन इज 3:1। इट मींस यहां पे हम देखें जो फिनोटाइप होगा F2 जनरेशन का 3:1 में होगा। यानी हम देखें कितने भी क्रॉस करवा लें, यदि 1 लाख प्लांट बने हैं, नए सीड बने हैं, नए प्लांट बने हैं, उसमें से 75,000 जो होगा वो क्या होगा टॉल, और 25,000 क्या होगा ड्वार्फ। इट मींस जितने भी क्रॉस करवाएंगे उसका 75% टॉल होगा और 25% क्या होगा ड्वार्फ होगा। क्या ये चीज आप समझ पाए क्या? देन अब देखिएगा यदि यहां से हम बात करें जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप्स का मतलब क्या, एक कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी, यानी यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या इसके अलावा कोई भी जीनोटाइप संभव है क्या? कोई भी जीनोटाइप संभव नहीं है। तो अब आप जरा सोचिए ये कैसे होगा, यहां से कैपिटल टी वाला इस पूरे प्रोसेस में कितना है, एक, यानी ये है एक। फिर जरा देखिएगा ये स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, दो, और देन यहां से हम बात करेंगे स्मॉल टी वाले कितने हैं, एक।
जरा परसेंटेज की बात करें तो कुछ स्टूडेंट को हो सकता है परसेंटेज निकालने नहीं आता होगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो हम देखें यहां से कैपिटल टी का परसेंटेज क्या होगा। अब देखें कैपिटल टी इसमें से कितना है, एक है, और टोटल कितने हैं, चार। तो नंबर ऑफ कैपिटल टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ द जीनोटाइप तो चार है, और परसेंटेज का मतलब गुना 100 से करना तब जाके 25, यानी हम देखें 25 चौका 100 यानी 25%। इसका मतलब ये हो गया 25% कैपिटल टी यानी होमोजाइगस स्टॉल होगा, यानी 25% जो होगा ये कैसा होगा, होमोजाइगस स्टॉल होगा। कोई दिक्कत क्या? देन यहां से देखिएगा, फिर हम बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ नहीं करना है, एक दो गिन लेना है, चार, यहां एक था, एक के बदले दो कर दिए, तो अब देखिए 25 चौका 100 तो ये क्या होगा, 50%। यानी हम देखें 50% जो यहाँ पे जितने भी क्रॉस हुए हैं इसमें से 50% जो होगा हेटरोजाइगस स्टॉल कैसा होगा, तो हम बात करेंगे हेटरोजाइगस स्टॉल होगा। क्लियर है क्या? अब देखिएगा, और 25% क्या होगा, ये 25% जो होंगे ये होंगे ड्वार्फ होगा। क्लियर है क्या? शायद इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जरा देखिए यहां से हम सारे पॉइंट को एक बार फिर से लेते हैं। जरा देखिए ये कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गैमिट बनाने के लिए आना चाहिए। चलिए देखते हैं ये आपको कितना समझ में आया है। तो देखिए हम यहाँ से जितने भी ये क्रॉस किए हैं इससे हम कुछ क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछेगा मेंडल, अच्छा एक बात बताइए, ये तो मेंडल क्रॉस लिया था, आपको कुछ और क्रॉस कह के पूछ सकता है। तो जरा देखिए यहाँ से हम कंसेप्ट की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंसेप्ट है, एक कैरेक्टर के बेस पे हम स्टडी करेंगे, और एक कैरेक्टर के बेस पे स्टडी करने का मतलब क्या, एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए, जैसे हाइट लिए हैं तो एक टॉल और ड्वार्फ। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रेसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। हेटरोजाइगस कंडीशन में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर नहीं मिलता, यानी हेटरोजाइगस कंडीशन में आपको हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। ये सब बात की यहाँ से क्रॉस बताएं, F1 के लिए क्रॉसिंग और F2 के लिए सेल्फिंग, यहाँ से फिनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है। अब देखिए बोर्ड में बात करें ये सारे क्वेश्चन इजीली पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा फिनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है। एक क्वेश्चन आपको पूछ ले, आप जरा देखिए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितना परसेंट प्लांट हेटरोजाइगस स्टॉल मिलेगा, तो जरा देखिए F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन में हेटरोजाइगस स्टॉल, तो देखिए हेटरोजाइगस स्टॉल कितना परसेंट है, 50%। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन बता दें भाई, आपको मैं जरा ये बताऊं, हम कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, पर डे 2-2 GB खर्च होता है, लेकिन आप लोग इतने चालाक हैं ये करते हैं जो वीडियो को जस्ट डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड के करके देखते हैं, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रा देखिए आपको बता दें, वैसे कुछ लोग समझते होंगे जो YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं, सर तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए यदि किसी यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर है और साथ ही साथ 4000 घंटे का वॉच टाइम है, तब जा करके उसका चैनल मोनेटाइज होता है, और मोनेटाइज होने के बाद उस पर ऐड आने स्टार्ट होते हैं, तब जा करके कुछ अर्निंग होता है, और ये 4000 घंटा पुराने में कितने महीने लग जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, हो सके तो आप लोग डायरेक्ट देखें जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए। अभी तक हमें YouTube से एक पैसा भी नहीं मिला है, और जहां तक खर्च की बात करें तो पिछले 2 महीने में हम बात करें पर डे 2 GB के हिसाब से देख लीजिए, फिर जाके ये YouTube चलाने के लिए, YouTube पे वीडियो बनाने के लिए लाइट सेपरेटर्स होते हैं, माइक्स होते हैं और भी कई सारे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, हो सके तो ऑनलाइन ही देखें। तो चलिए अगला टॉपिक आपको हम यहां से बताते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जरा देखिए आपको हम यहां से गैमिट बनाना सिखाते हैं, क्लियर है क्या। अब देखिए यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं जिससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेंगी। तो जरा देखिए यहां से इंपॉर्टेंट नोटेशन,
यहाँ से कुछ नोटेशंस देखने हैं हमें। सबसे पहले देखिए, अभी जो हम एक क्रॉस करवाए थे, जैसे मान लीजिए सीखते हैं थोड़ा सा, जैसे कोई आपके पास कहा क्वेश्चन समझेंगे, आपको क्वेश्चन में कहेगा एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, हेट्रोजाइगस टॉल है, क्लियर है क्या? और कहेगा इसका क्रॉस हम करवाया है होमोजाइगस ड्वार्फ से, यानी इसका क्रॉस कहा है होमोजाइगस ड्वार्फ, तो आगे आपको कुछ कुछ पूछ रहा है। तो जरा देखिए, आपको एक सिस्टम अभी जो देखे थे उसका हम नाम दिए थे स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। जरा देखिए, पनेट साइंटिस्ट का नाम है, अभी जो हम देख रहे हैं ये पनेट स्क्वायर होगा। और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया था पिछले रिसेंटली, तो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, पनेट जो साइंटिस्ट था कहाँ का था, तो यहाँ से ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ये अपना पॉइंट है एनसीईआरटी का। अब जरा देखिए, बिहार बोर्ड को लोग थोड़ा नीची निगाहों से देखता है, भाई देखना बंद करें, उसका भी क्वेश्चन का लेवल बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3 साल से। जरा देखिए, ब्रिटिश साइंटिस्ट था और ये क्वेश्चन आया था BSEB 2019 में। तो देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एनसीईआरटी का ही है। जरा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, सर ये हेट्रोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होगा। तो अब जरा सोचिए, यहाँ से हेट्रोजाइगस का मतलब सर टॉल है, लेकिन हेट्रोजाइगस है, इसका मतलब हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका होगा जीनोटाइप। और होमोजाइगस का क्या होगा, होमोजाइगस का होगा स्मॉल टी होमोजाइगस टॉल रहता तो स्मॉल टी नहीं होता, कैपिटल टी कैपिटल होता, लेकिन यहाँ पे होमोजाइगस ड्वार्फ है तो स्मॉल टी, या फिर इसको होमोजाइगस ना कहे ड्वार्फ कहे, फिर भी आपको कैपिटल टी लेना। अब देखिए, दोनों को क्रॉस करवाने के लिए यहाँ से पनेट एक स्क्वायर दिया, इस स्क्वायर की बात करते हैं। जरा देखिए, पनेट करता क्या था, जैसे यहाँ से दो तरह का गैमिट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से एक तरह का गैमिट बना स्मॉल टी। अब वो करेंगे क्या, यहाँ से एक स्क्वायर बनाएगा और इस स्क्वायर में वो ले लेगा अपना, यहाँ से इसको लिख देगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर लिख देगा एक ही तरह का गैमिट मिला है तो स्मॉल टी लिख दिया। अब देखिए, जरा दोनों को क्रॉस करवाइए, तो ये इधर से आया और ये इधर से आया, ये इधर से आएगा और ये इधर से, तो जरा देखिए यहाँ पे बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ से हम देखें, यदि आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा था एक होमोजाइगस टॉल के साथ यदि हेट्रोजाइगस ड्वार्फ होमोजाइगस ड्वार्फ को क्रॉस करवाएं तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्ट में देखें, यदि आपसे पूछेगा इसका फिनोटाइप्स क्या होगा, तो जरा देखिए, इसका फिनोटाइप निकालने के लिए टॉल रेशियो ड्वार्फ, यानी हम देखें टॉल तो हुआ 2 में से 1 और ड्वार्फ भी क्या हुआ 1, यानी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन और हम यहां से आपको करते हैं, क्वेश्चन की बात करें, यहां से ये तो अपना हेट्रोजाइगस था, अब यहां पे इसको भी अब कह दे, क्वेश्चन को बदल करके कहेगा हेट्रोजाइगस टॉल, सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक है हेट्रोजाइगस टॉल और इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं हम हेट्रोजाइगस टॉल के साथ। जरा देखिए, दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है तो इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, यहां भी क्या होगा, यहां भी गैमिट बनेंगे दो तरह के कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, यहां पर फोर्क लाइन मेथड हमें बड़ा काम आएगा, जो पनेट स्क्वायर पनेट स्क्वायर बड़े काम का आएगा। जरा देखिए, पनेट स्क्वायर में करते क्या था, तो एक तरफ हम पहले एक स्क्वायर बनाते थे और इस स्क्वायर में 4 खानियां बना देते थे, क्योंकि गैमिट कितने टाइप का है, 4 टाइप का। तो एक ऊपर वाले में हम इसको सेट कर दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम पैरेलल यहाँ पे सेट कर दिए। तो जरा देखिए, इसके इसके क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से हमें बनेंगे, इस दोनों के क्रॉस करवाने से जो बनेगा, ये बनेगा कैपिटल टी इसका और इसका क्रॉस करवाने के बाद बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसका क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी। जरा देखिए, ये जो स्क्वायर मेथड जो बनाया था, ये कौन दिया था, पनेट दिया था, इसलिए इसका नाम दे दिया पनेट स्क्वायर। जरा रेशियो देखिए, तो रेशियो क्या होगा, हम देखें टॉल जो होगा, टॉल रेशियो ड्वार्फ का यदि हम देखें तो
तो ये आ जाएगा एक दो तीन, तीन टॉल है तो थ्री, और ड्वार्फ क्या है एक, तो ये हो गया। और हम देखें जीनोटाइप, तो जीनोटाइप होगा टी कैपिटल टी कैपिटल टी, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए यहाँ से कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, और यहाँ से स्मॉल टी एक है। तो जरा देखिए ये आपका जीनोटाइप हो गया। तो आपको आशा करते हैं ये आपको पनेट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। जरा देखिए इसी क्वेश्चन को साथ ही साथ आप लिखते रहेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड आया जिसका नाम दिया फोर्क लाइन मेथड। जरा देखिए इसी क्वेश्चन को करने के लिए यहां से हम देखें फोर्क लाइन मेथड, यानी यहां से हम देखेंगे फोर्क लाइन मेथड। जरा देखिए फोर्क लाइन मेथड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इजिली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जरा देखिए जब भी आपको हेट्रोजाइगस दिखेगा, सॉरी जब भी आपको होमोजाइगस दिखेगा तो आप कीजिएगा लाइन लगाइएगा, एक लाइन डाल दीजिएगा इस तरह से, क्लियर है क्या? और जब भी आपको हेटेरोजाइगस दिखेगा तब आप यहां से फोर्क लगा दीजिएगा, यानी इस तरह से, क्लियर है क्या? अब जरा देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जरा देखिए फोर्क लाइन मेथड में कहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल बी, इसमें आपको पूछेगा, इसका पूछ लेगा नंबर ऑफ गैमिट कितने होंगे, यानी टाइप्स ऑफ गैमिट, टाइप्स ऑफ गैमिट्स। तो आप यहां पे गैमिट बनाइएगा, कैसे बनाइएगा जरा देखिए। सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहां से आप पहले एक दो, पहले एक को लेंगे, पॉइंट लेंगे, इसकी बात करें तो ये यहां पे देखिएगा हेट्रो है या होमो है, तो हेट्रो है, तो हेट्रो के लिए हम क्या लिए थे, फोर्क लिए थे इस तरह से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिए। जरा अब देखिए, अब इस बी के साथ दोनों का क्रॉस होना चाहिए, तो बी के साथ क्रॉस करवाने के लिए पहले इसको जज किए, तो बताइए होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, तो लाइन लगा दिए, एक लाइन एक लाइन। अब दोनों के ऊपर बी लगा दिए क्योंकि दोनों से क्रॉस करवाएंगे, तब जाके देखिए ए कैपिटल टी स्मॉल बी और ये बनेगा स्मॉल टी स्मॉल बी, यानी यहां से टू टाइप्स ऑफ गैमिट, कितने टाइप के गैमिट बने, टू टाइप्स ऑफ गैमिट। अब देखिए इसका एक ट्रिक भी हम देखते हैं, यहां से ट्रिक हम देखते हैं, जरा देखिए आपको ट्रिक में ध्यान रखना है, सबसे पहले पूछ ले नंबर ऑफ गैमिट कितना होगा, यदि आपसे पूछेगा आपको यहां देखिएगा दो टाइप के गैमिट बने, आपको बना करके देखना पड़ा, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, देखिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट, यानी यहां से नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट बराबर होता है टू टू दी पावर एन, जहां पर एन क्या होगा, हम देखे एन क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी। जरा देखें इसके लिए आप इजिली, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखें, आपको कहेगा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट बनाइए, तो कितने होंगे टाइप्स ऑफ गैमिट, सोच करके बताइए कितने होंगे टाइप्स ऑफ गैमिट, तो टाइप्स ऑफ गैमिट आपके हो जाएंगे टू टू दी पावर एन, कितना है यहां पर एन बराबर वन, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी कितना है एक, तो दो पे पावर एक बराबर दो टाइप्स के गैमिट, देखिए दो टाइप्स के गैमिट बनेगी नहीं बने। देन आपसे पूछेगा, ये तो छोटा था इसलिए आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल वाई इसके लिए आप गैमिट बनाइए, कितने टाइप का गैमिट बनेगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल टू टू दी पावर एन लगाएंगे। जरा देखिए एन का वैल्यू यहां पर एक हेट्रोजाइगोसिटी और दो, एन का वैल्यू दो, यानी टू टू दी पावर टू बराबर दो दुना दो गुना दो बराबर चार टाइप के गैमिट बनेंगे। जरा देखिए इसको हम यहां पे बना करके भी देख लेते हैं, जरा देखिए इसको हम यहां पे बना के देखते हैं, तो आप लोग इसको लिखिए और ये डब्बे में इसका ट्रिक लिखिएगा। जरा देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे, यहां से देखिए आप कैपिटल टी स्मॉल बी कैपिटल वाई, जरा देखिए इसको हम लेकर के यहां से बना रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर आपको बताए थे यदि हेट्रोजाइगस आएगा तो फोर्क लगाएंगे, तो क्योंकि यहां पे हेट्रोजाइगस है इसलिए हम फोर्क से स्टार्ट किए, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी,
देन फिर क्या आया, हेटरोजाइगस, तो फिर दोनों पे हम फॉर्क लगा दिए, एक पर कैपिटल बी फिर स्मॉल बी फिर कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितने भी होंगे सभी के साथ तो इसका क्रॉस होगा। देन फिर क्या है, फिर क्या है, ये होमोजाइगस, तो होमोजाइगस के लिए लाइन लगा दिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखिए सबको हम मिला देते हैं तो इसका कनेक्शन इसके साथ मिलकर के बनेगा गैमेट, कैपिटल टी कैपिटल बी कैपिटल वाई, जरा देखिए। फिर यहां से इसका कनेक्शन इस तरह से मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल बी कैपिटल वाई। फिर देखिए इसका कनेक्शन इधर से मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल बी कैपिटल वाई। और फिर इसका कनेक्शन यहां से बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल बी और कैपिटल वाई। जरा देखिए आप इसी चार टाइप के गैमिट बनाए तो इतना टाइम लगा, लेकिन ट्रिक से आप तुरंत बना सकते हैं, टू टू दी पावर एन, एन का वैल्यू एक दो आया, हेटरोजाइगोसिटी दो है, टू दी पावर दो बराबर चार, यानी यहां पे चार टाइप्स ऑफ गैमिट बने। क्लियर है क्या? तो ये मेथड फॉर्क लाइन ठीक है, लेकिन इसके नंबर को निकालने के लिए डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहां से हम एक चीज और देखते हैं, एक ट्रिक और देखते हैं। चलिए इसको लिखिएगा डब्बे में यहां से। अब देखिएगा इसको हम मिटाते हैं, ये तो ट्रिक नंबर वन था। अब दूसरा ट्रिक यहां से देखेंगे, ये तो ट्रिक नंबर वन था। अब देखिए ट्रिक नंबर टू देखते हैं। ट्रिक नंबर टू है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। जरा देखिए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप को कैसे देखते हैं, यहां से टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। तो जरा देखिए जीनोटाइप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थ्री टू दी पावर एन। जरा देखिए थ्री टू दी पावर एन होता है, जैसे आपको यहां से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसी का कहेगा जीनोटाइप कितने होंगे, इसके जीनोटाइप कितने होंगे, इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ, जैसे इसी क्वेश्चन को कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल वाई इसका पूछेगा नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप इजिली कर पाएंगे। यहां पर एन का वैल्यू निकालिएगा टू है, तो थ्री टू दी पावर टू बराबर थ्री इंटू थ्री बराबर नौ टाइप के इसके जीनोटाइप मिलेंगे। इसके समझ में आपको ऐसे आ रहे होंगे, क्लियर है क्या आपका? चलिए एक और ट्रिक है यहां से, ट्रिक नंबर थ्री। देखिए ये क्या है, ट्रिक नंबर थ्री में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जायगोट, यानी यहां से देखेंगे जायगोट कितने तरह के बनेंगे। तो जायगोट बनने के लिए फॉर्मूला इसका होगा 4 टू दी पावर n। जरा देखिए 4 टू दी पावर n कैसे, अब देखिए एक अभी आपको तुरंत हम डेमो दिखाते हैं, अभी तुरंत हम देखे थे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन जो करवाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखिए इस दोनों को क्रॉस करवाने के बाद हमें मिला था कैपिटल टी और मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, चार टाइप के जीनोटाइप मिले थे। अब देखिए जो चार टाइप के जीनोटाइप मिले थे तो ये तो करके देखना पड़ा, लेकिन इजिली आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, ये तो छोटा था, ये छोटा है तब ना आप ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा, यदि यही थोड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन कह दिया, आपको क्वेश्चन कह दिया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जेड और स्मॉल जेड, इसका पूछेगा यदि आप F2 जनरेशन में जाएं, तो F2 जनरेशन में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ या फिर सीधा नंबर ऑफ जायगोट की बात करें, यहां से नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ जायगोट इसको बनाने के लिए बैठिएगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, फॉर्क लाइन मेथड से लेंगे तो आपको करना पड़ेगा, यहां से फॉर्क लगाना होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, बहुत सारा प्रोसेस लगेगा। इसके लिए आप इजिली कर पाएंगे, यानी यहां से हेटरोजाइगसिटी को चुन लें, एक हेटरोजाइगस दो हेटरोजाइगस और तीन हेटरोजाइगस, तो एन का वैल्यू यहां पर तीन आया, तो चार पे पावर थ्री लगा देंगे, फोर इंटू फोर इंटू फोर बराबर 64। यदि आप एक और क्वेश्चन देखें, आपको कहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के F2 जनरेशन में नंबर ऑफ जायगोट कितने होंगे, नंबर ऑफ जायगोट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जायगोट निकालने के लिए आप सीधा करेंगे, यहां से इसका n का वैल्यू निकाल लेंगे, n बराबर यहां से दो है,
तो यहां से 4 पे पावर 2 = 16 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन करते रहिएगा। फिर जरा देखिए एक क्वेश्चन और आपको कहेगा, जो एक कोई प्लांट है जिसमें उसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये उसका जीनोटाइप है। तो पूछेगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट, इसी गैमिट्स को फिनोटाइप भी बोलते हैं, टाइप्स ऑफ गैमिट्स से ही फिनोटाइप निर्धारित होगा। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको बता दें, 2 की पावर n, n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, n = 1 और 2, क्योंकि हेटरोजाइगस कितना है 2, n का वैल्यू 2 है, तो 2 पे पावर 2 = 4 टाइप के गैमिट, 4 आंसर आया, यानी यहाँ से 4 टाइप के गैमिट बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला था 3 की पावर n, तो यहां से 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, यहां से टाइप के गैमिट मिलेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ जायगोट के लिए फॉर्मूला देखिए 4 की पावर n, n का वैल्यू यहां पे 2 है, तो 4 × 4 = 16 आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम करना सिखलाया है आज। तो आज हम कुछ आपको क्वेश्चन पीडीएफ में डाल दे, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल के क्लास में आपका जो हम आज का डिस्क्रिप्शन में डालेंगे पीडीएफ क्वेश्चन का, वो कर लेना है, उस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर मेंडल क्रॉस, इसके आपको कुछ कंक्लूजन बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।